हेलो एंड वेलकम टू SOL रिपोर्टर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर SOL स्टूडेंट्स। SOL के जो UG कोर्सेज में सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनके ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया गया है। इस शेड्यूल को देखने के लिए आपको आ जाना है SOL की वेबसाइट पे sol.du.ac.in, और यहाँ पे आप कॉन्टिन्यूटी वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक अलग से सेक्शन मिलेगा इंपॉर्टेंट नोटिस और इन्फॉर्मेशन का। अगर आप मोबाइल फ़ोन में ओपन कर रहे हैं तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये सेक्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पहला ही नोटिस मिलेगा टाइम टेबल ऑफ सेमेस्टर टू स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको पूरा टाइम टेबल यहाँ पे दिख जाएगा। इस टाइम टेबल को अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, उसके पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप PG कोर्सेज में हैं तो आपको टाइम टेबल देखना, तो आपको आना पड़ेगा इस ऑप्शन पर। यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन क्लासेस, इस ऑप्शन पर जैसे ही आप आएंगे तो आपको सारे कोर्सेज के टाइम टेबल यहाँ पर डिटेल में मिल जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन क्लास शेड्यूल, यहाँ पर MA के, BA प्रोग्राम के, BCom के सारे ही कोर्सेज के सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के जो भी क्लासेस होनी है उसका टाइम टेबल यहाँ पे मेंशन किया, टीचर का नाम मेंशन किया, और यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन भी मिला हुआ है। तो जिस भी टाइम आपका क्लास टाइम है उस टाइम यहाँ से आप ज्वाइन भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सारे डेट वाइज शेड्यूल को देख सकते हैं। अगर किस तरह से आपको क्लास ज्वाइन करनी है ये नहीं पता तो यहाँ पर एक PDF भी है और एक वीडियो भी यहाँ पर अवेलेबल है। इन दोनों की मदद से आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से आपको क्लासेस वगैरह ज्वाइन करनी है। हालांकि आप सेकंड या फोर्थ सेमेस्टर में तो आपने फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस ली होंगी तो आपको पता होगा कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के थ्रू आपको क्लासेस जो हैं ज्वाइन करनी है। इसके अलावा अगर आप शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल में अगर आप BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हो तो BA प्रोग्राम में आपको पता है डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होते हैं और वो सेम रहते हैं। आपके पूरे 6 के 6 सेमेस्टर में आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट सेम रहेंगे, तो आपकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं 10 जून से और ये चलेंगी आपकी 13 जुलाई तक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो आपके डिसिप्लिन वन का सब्जेक्ट है वो यहाँ पे दी हुई है। आपकी क्लासेस होंगी 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, और AECC जो सब्जेक्ट है उसकी क्लासेस होगी 2 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में। अब AECC में आपको बता दूँ, AECC जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज को पढ़ना है, उन सभी कोर्सेज के स्टूडेंट्स को पढ़ना है। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में EVS पढ़ा था तो अब आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक चूज़ करना होगा, और अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लिया था तो सेकंड सेमेस्टर में आपको EVS पढ़ना होगा। डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स जो हैं आपके सेम ही रहेंगे। इसके अलावा दूसरा जो फोर्थ सब्जेक्ट रहेगा वो आपका, वो या तो आपको ML मिलेगा या आपको इंग्लिश मिलेगा, सेम वही। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपने इंग्लिश पढ़ लिया था तो आपको ML मिलेगी, ML के अंदर आपको हिंदी मिलेगी, और अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ML में हिंदी पढ़ ली थी तो आपको पढ़नी होगी इंग्लिश, ठीक है। इसी तरह से आपको देखना है बाकी कोर्सेज के टाइम टेबल जो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये है BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का, यहाँ पे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो तो आपके सेम ही रहेंगे। AECC का मैंने आपको समझा दिया किस तरह से करना है, और जनरल इलेक्टिव का सब जो शेड्यूल है वो अभी रिलीज़ नहीं किया गया, जल्दी वो भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये BCom का शेड्यूल है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे कोर 1 और कोर 2 ये सब्जेक्ट्स तो आपके सेम रहेंगे AECC का। उसी तरह से अगर फर्स्ट सेमेस्टर में EVS तो आप पढ़नी होगी आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक, वो सारी जो इंग्लिश और ML का वो भी सारा आपका सिस्टम सेम है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ BCom का, इसमें भी कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके, इसके अलावा जो AECC और एक जनरल इलेक्टिव जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आपको पढ़नी है। नेक्स्ट आपका BA ऑनर्स इंग्लिश का, तो इसमें भी कोर सब्जेक्ट्स आपके सेम ही हैं, AECC है दूसरा, और फिर एक है जनरल इलेक्टिव। इसका शेड्यूल अभी नहीं आया, जल्दी यहाँ पर भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि सेकंड सेमेस्टर के और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन कब लिए जाएंगे, तो उसके रिलेटेड मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ आपको। अगर हम सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन का मोड अभी क्या होगा, असाइनमेंट होंगे या फिर ओपन बुक एग्जाम होंगे, वो भी फिक्स नहीं है। ऑफलाइन एग्जाम के कोई चांसेस नहीं है, या तो आपके असाइनमेंट लिए जाएंगे या तो आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन लिए जाएंगे, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ, आपके जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग 29 जुलाई से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं 13 जुलाई तक तो आपकी क्लासेस चलनी है, और उसके बाद आपके मिनिमम 2 वीक के बाद ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं। तो आप मान के चले जुलाई एंड के पहले आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, और आपके एग्जामिनेशन OBE मोड में भी हो सकते हैं, यानी कि ओपन बुक एग्जामिनेशन भी हो सकते हैं, या फिर असाइनमेंट भी हो सकते हैं, यानी कि AB भी हो सकते हैं। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की बात करें तो फोर्थ सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो भी जुलाई के आसपास ही होने वाले हैं, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में ये लगभग कंफर्म है कि आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं होंगे, आपके होंगे ABE, यानी कि असाइनमेंट बेस्ड इवेल्यूएशन।
और ये जो है रेगुलर और एनसी वेब के लिए पहले ही बता दिया है, लेकिन एसओएल में जो लगभग कन्फर्म है, लेकिन इसके लिए बस नोटिफिकेशन जो है वो उन्होंने रिलीज नहीं किया है, तो आप नोटिफिकेशन का वेट करें, मोस्ट प्रोबली आपके जो असाइनमेंट है वो ही लिए जाएंगे। तो ये था आपके एग्जाम से रिलेटेड कि सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन वगैरह कब होंगे। बाकी जो क्लासेस का टाइम टेबल है वो रिलीज़ कर दिया गया है सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए भी और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए भी। तो आप अपनी क्लासेस ऑनलाइन जारी रखें फॉर द टाइम बिंग। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।